ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मेरा सेकंड टाइम है। मैं दादाजी को घुमाने लेके आया हूँ। पहले हम लोग को रिक्शा करना पड़ता था, बहुत सारे उसमें ट्रैफिक वगैरह आते थे, बस से ट्रैवल करते थे तो हर जगह पे ट्रैफिक जैम। जब मेट्रो नहीं था तो देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। रोड पे हम लोग जाते टैक्सी से भाड़ा ज्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग था ट्रैवलिंग बहुत। एग्जाम्स रहते थे या फिर कुछ रहता था तो हम लोग को जाने में प्रॉब्लम होती थी। ऐसे एनिमल से भी बदतर हालत थी, ऐसा फील होता था जब भी जहाँ भी ट्रैवल करते थे। फर्स्ट टाइम मेट्रो में हम जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार मेट्रो में आया हूँ, मेरा वाइफ मेरा बच्चा का साथ में, अच्छा लग रहा है। नीट एंड क्लीन लग रहा है, काफी ऑर्गेनाइज लग रहा है, सिक्योरिटी भी है। मैं अपने बच्चों को मेट्रो पिकनिक करवा रहा हूँ। मेरा हर रोज मेट्रो से आना जाना हो रहा है। मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर का आज फर्स्ट टाइम है। किन्द्रा अपनी स्कूल में से डेली है ना मेट्रो से ट्रेन देखती थी, आज वो मेट्रो में बैठी है। मेट्रो पे विंडोज व्यूज ये सब बहुत अच्छा लगता है मुझे। वी डिसाइडेड टू टेक दिस ट्रिप जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू गिव आवर लिटिल ग्रैंड डॉटर द एक्सपीरियंस। यहाँ भीड़ नहीं होती, अच्छा लगता है। इधर खुद के पास कार होते हुए भी हमने ये ऑप्ट किया है आज। 30 रुपए में इनके पास पहुँच रहा, और क्या है, नहीं तो सोचना पड़ता था कि कैसे पहुँचे इनके पास। 21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से नई गति मिलने वाली है। हमें बदलते हुए समय और बदलती हुई जरूरतों के साथ अपने शहरों को भी निरंतर आधुनिक बनाना जरूरी है। पहले ट्रैवलिंग ऑलवेज स्ट्रेसफुल था, जहाँ पहुँचते थे वहाँ थक के पहुँचते थे, अभी रिजुविनेट होके पहुँच रहे हैं। टाइम आपका बचता है, फ्रीक्वेंसी अच्छी है, हम हमारे चिल्ड्रंस को इजीली कहीं पे भी ट्रैवल करा सकते हैं। ट्रैफिक और पोल्यूशन से अच्छा है, आरामदेही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपनी खुद की एसी कार में बैठ के घाटकों पर जा रही हूँ और आ रही हूँ। आई वॉज ट्रैवलिंग से 3 hours a day just in my car to and fro from work. Now because of the metro, I'm sure I can do 2 hours of extra business. That's 2 hours of more work, 2 hours of more profit, 2 hours of more money. घर से नजदीक साइकिल से जाने का और जहाँ भी काम हो वहाँ पहुँचने का। It is good for environment also. Eco-friendly है। खुशी है जाने का, यही तो सफर करने का, जल्दी होता है, उसमें गर्दी रहता है, इसमें गर्दी नहीं रहता है। कार से बेटर ऑप्शन है क्योंकि ट्रैफिक का इशू नहीं रहता है, पॉल्यूशन का इशू नहीं रहता है। शहर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आधुनिक हो, सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यातायात का एक साधन दूसरे को सपोर्ट करे, ये किया जाना बहुत आवश्यक है। मेरा लड़का यूएस रहता है, उसने कहा यहाँ का मेट्रो न्यूयॉर्क की मेट्रो से कई गुना ज्यादा अच्छा है। वी हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम टोरंटो। आई थिंक आर मेट्रो इज हाईली कंपेरेबल टू और इवन बेटर देन द नेटवर्क देयर। सबसे ज्यादा मेट्रो जो है वो इंडिया में चलता है, ये जानकर मुझे काफी गर्व महसूस होता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड इज इन कुवैत, इवन इन दैट कंट्री The metro has not come. और इसी सोच के साथ बीते 8 वर्षों में शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है। 8 वर्षों में एक के बाद एक देश के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में मेट्रो या तो शुरू हो चुकी है या फिर तेजी से काम चल रहा है। From watching metros on television screens to finally riding in them, it is a very proud feeling. When we talk about infrastructure, economic growth and better connectivity, metros are becoming the new lifeline of India.